दीपावली के त्योहार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो क्या दीपावली पर चीन और पाकिस्तान कोई बड़ी साजिश रच रहे हैं? साजिश भी ऐसी कि अगर ये कामयाब हो गई तो दीपावली के बाद भारत में लोग सीने पर हाथ रखकर खांसते हुए दिखाई देंगे। क्या है ये वायरल साजिश? कितनी है इसमें सच्चाई? आइए करते हैं इसका वायरल टेस्ट। दीपावली का त्योहार करीब आ रहा है। हर साल दिवाली पर धूम मची रहती थी, लेकिन इस बार दिवाली पर दोहरी आफत है। एक तो कोरोना की आफत और दूसरी आफत प्रदूषण की। दिल्ली में तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ कह दिया है कि राजधानी में पटाखों की इजाजत नहीं मिलेगी। हम देख रहे हैं चारों तरफ आसमान भरा हुआ है धुएं से, और कोरोना, इसकी वजह से कोरोना की स्थिति और खराब हो रही है। हम लोग सब लोग मिलके दिवाली मनाएंगे, पटाखे नहीं जलाएंगे, किसी भी हालत में अपने को पटाखे नहीं जलाएंगे। राजधानी दिल्ली में ही नहीं, पूरे देश में जगह जगह पटाखों को लेकर गाइडलाइन जारी की जा रही है। लोगों में जागरूकता भी आई है। लोग भी जान रहे हैं कि पटाखों का शोर और जहरीला धुआं लोगों की जान के लिए खतरा बन सकता है। इस बार दीपावली पर पटाखों पर रोक के फरमानों के बीच सोशल मीडिया पर एक खबर जमकर वायरल हो रही है। इस खबर में दावा किया जा रहा है कि दीपावली पर पाकिस्तान और चीन भारत के साथ बहुत बड़ी साजिश करने वाले हैं। दोनों देश ऐसे पटाखे भेज रहे हैं जिससे देश भर में अस्थमा फैल जाएगा। एक यूजर ने ट्विटर पर अपनी पोस्ट में लिखा, विशेष सूचना जरूर पढ़ें। इंटेलिजेंस के अनुसार चूंकि पाकिस्तान सीधे भारत पर हमला नहीं कर सकता, इसलिए उसने भारत से बदला लेने की चीन से मांग की है। चीन ने भारत में अस्थमा फैलाने के लिए पटाखों को विशेष प्रकार के पटाखों से भर दिया है जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के लिए विषैला है। इस वायरल दावे में सरकारी अफसर विश्वजीत मुखर्जी का नाम भी दिया गया है। दीपावली करीब है और ये खबर सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रही है। इस वायरल खबर में बात सिर्फ अस्थमा फैलाने वाले चीनी पटाखों की नहीं है, रोशनी के लिए होने वाली सजावट पर भी सोशल मीडिया पर सावधान किया जा रहा है। दीपावली के पहले इस वायरल मैसेज से लोगों में बेचैनी भी देखी गई। इस खबर के साथ चूंकि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट का हवाला दिया गया था, लिहाजा लोगों को इस पर सहज यकीन भी होने लगा। तो क्या वाकई इंटेलिजेंस को ऐसी कोई रिपोर्ट मिली है कि चीन भारत में अस्थमा फैलाने वाले पटाखे भेज चुका है? हमने इस खबर का वायरल टेस्ट किया। हमने जब इस खबर की तहकीकात शुरू की तो हमें एक यूजर का करीब साल भर पुराने दो ट्वीट मिल गए। इन दोनों ट्वीट्स में भी यही दावे दोहराए गए थे। यहां तक कि पड़ताल में ये बात तो साफ हो गई कि इंटेलिजेंस की ये तथाकथित रिपोर्ट जो वायरल हो रही है वो नई नहीं है, क्योंकि साल भर पहले इसको लेकर की गई पोस्ट हमारे सामने थी। हमने पड़ताल आगे बढ़ाई। हमें ना तो खबरों की वेबसाइट्स पर ऐसी कोई खबर दिखाई दी और ना ही सरकार की किसी आधिकारिक वेबसाइट पर ऐसी किसी खबर का जिक्र था। पड़ताल के दौरान हमें PIB यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की फैक्ट चेक टीम का ट्वीट मिल गया। व्हाट्सएप पर गृह मंत्रालय के कथित अधिकारी के नाम से वायरल मैसेज में दावा किया गया है कि चीन भारत में अस्थमा फैलाने और नेत्र रोग विकार उत्पन्न करने के लिए विशेष प्रकार के पटाखे और सजावटी लाइट्स भेज रहा है। ये दावा फर्जी है। गृह मंत्रालय ने ऐसी कोई सूचना नहीं दी है। हमारी पड़ताल अब पूरी हो चुकी थी। हमारे वायरल टेस्ट में इस खबर से जुड़ा दावा फेल हो गया। हालांकि हम आपको बता दें कि चाइना ने भले ही भारत में अस्थमा वाले पटाखे न भेजे हों, लेकिन ये बात तो सही है कि पटाखों का धुआं और शोर दोनों पर्यावरण के लिए नुकसानदेह हैं। पटाखों का धुआं सेहत के लिए हानिकारक है। आज तक ब्यूरो।